और चलिए खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट पर, रीट्वीट किया है कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट पर। उन्होंने लिखा है रीट्वीट करते हुए, कैलाश जी ये वीडियो खरगोन का नहीं है, कैलाश जी आपकी भाषा भड़काने वाली है। सीएम शिवराज और गृह मंत्री को शुभचिंतक बताया, मैं आपके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि आपके अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया था वीडियो, जिस पर अब दिग्विजय सिंह ने उस वीडियो को ट्वीट कर कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट को लेकर उन्होंने लिखा कि ये कैलाश जी ये वीडियो खरगोन का नहीं है, कैलाश जी आपकी भाषा भड़काने वाली है। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने एक फोटो शेयर किया था जो खरगोन का नहीं था, उसके बाद उस फोटो को दिग्विजय सिंह ने डिलीट कर दिया था। लेकिन खरगोन की घटना जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और अब देखिए कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से वीडियो ट्वीट किया गया है जो खरगोन का नहीं है, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि शिवराज और गृह मंत्री को उन्होंने शुभचिंतक लिखते हुए कहा, मैं आपके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं करूंगा कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं जानता हूं कि आपके अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने इससे पहले जो वीडियो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने उन लोगों को दिग्विजय सिंह का शांति दूत बताया था। दुष्यंत हमारे साथ बने हुए हैं, जैसे कि दुष्यंत हमने पहले भी चर्चा की कि अब ट्वीट के जरिए वीडियो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, ट्विटर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, एक के बाद एक ट्वीट जो वीडियोस हैं वो रीट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि कैलाश विजयवर्गीय कोई छोटे नेता तो नहीं है, उन्होंने जाहिर है देख परख कर ही वीडियो शेयर किया होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उनके जहन में जरूर होगा। लेकिन अब दिग्विजय सिंह को जरूर मौका मिल गया है कि उस वीडियो के जरिए वो अपनी भड़ास निकाल लें, जो भी आरोप बीजेपी लगा रही थी एक छोटी सी पिक्चर ट्वीट करने के बाद, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने ये कह दिया कि साहब अगर नहीं थी वो खरगोन की तो डिलीट कर दी। अब उसका उसको लेकर जो बयानबाजियां आ रही हैं वो ट्विटर के जरिए ही आ रही हैं। ट्विटर वॉर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर छिड़ा हुआ है, और इस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें तो दोनों वोट लगातार ट्वीट के माध्यम से एक दूसरे पर निशाना साधे जा रहे हैं। इस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट सामने आया तो उस पर कांग्रेस के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो निशाना साधते नजर आए, तो दूसरी तरफ अब खुद दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट जो है इस पूरे ट्वीट को लेकर किया है। उन्होंने साफ तौर पर ही कहा है, ट्वीट में लिखा हुआ है कि कैलाश जी आपने जो वीडियो डाला है वह खरगोन का नहीं है, जिस भाषा का उपयोग आपने किया है वह भड़काने वाली है, और क्यों न शिवराज जी हुआ नरोत्तम जी क्योंकि आपके खास शुभचिंतक हैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज दायर करें, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आपके आजकल अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। तो ये साफ तौर पर एक तंज कथा है कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कि उन पर अगर मामला दर्ज होता है तो कहीं ना कहीं उनकी ही सरकार में उन पर मामला दर्ज होगा, और अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होंगे कि मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है, कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो दोनों तरफ से फंसाने का प्रयास भी यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट के माध्यम से किया है, साथ ही साथ तंज की कथा है कि आपके दिन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन की जो उनकी गतिविधियां हैं आजकल तो उन गतिविधियों को लेकर भी तंज कथा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक दूसरा एक अलग तरीके का मैसेज जो है वो देने का प्रयास यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजय ने किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दुष्यंत जानकारी के लिए। अब कांग्रेस को इस पर काउंटर अटैक करने का मौका मिल गया है, क्योंकि इससे पहले दिग्विजय सिंह को घेरा था बीजेपी ने, और एक जो उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया था खरगोन घटना को लेकर, जो कि वो पिक्चर थी नहीं, जो ट्वीट उन्होंने वीडियो किया था वो था ही नहीं खरगोन का, और यही कुछ कंडीशन अब कैलाश विजयवर्गीय के साथ